हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कर्म दृष्टि। मैं इस वीक कर्क राशि के लिए लव हॉरोस्कोप लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के साथ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप दोनों की जोड़ी अमर रहे, आप दोनों का प्यार बे इंतहा हो, कोई तीसरा उसके बीच में सेंध ना लगा सके। टैरट कार्ड्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हेल्प करें। वाओ, आपका तो फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि शायद आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते थे, तो इस वीक आपको सक्सेस मिलने वाली है। बैलेंस बना के चलना होगा। सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगी, पर आपसे साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाएं, आपके प्यार तक पहुंचने में कुछ ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, तो आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी। दैट मीन्स किसी से घबरा कर आप अपने प्यार के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। आपने यदि ऐसा करते हैं तो आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलने वाला है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, आपके यदि मैरिज नहीं हुई है, आप इफ यू वांट टू गेट मैरिड, तो आपकी शादी भी हो सकती है। बस आपको थोड़ा अवेयरनेस रखना पड़ेगा आपके आसपास के लोगों से, थोड़ा सा आपको अलर्ट रखना होगा, अपने क्राउन चक्र को आपको स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि क्राउन चक्र स्मार्ट रहा, स्ट्रांग रहा, तो आपको आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसका पता लगता रहेगा। आप विवाह का फैसला ले सकते हैं, बट आपको एक बात और बताऊंगी कि अपने पार्टनर पर को प्रेशराइज मत कीजिएगा टू गेट मैरिड। यदि आपने प्रेशराइज किया तो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिविटी को इंक्रीज बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, इसलिए भी मना कर सकते हो, अभी शादी के लिए थोड़ा टाइम रुकने के लिए कह भी सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से उनको प्रेशराइज नहीं करना है, एंड टेक आउट टाइम फॉर अ पार्टनर। अपने पार्टनर के लिए यदि आप समय निकालेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।